जिसे चाहती हो उसे खुद अपने हाथों से खो रही हो। वो कभी मेरा था ही नहीं, तो किसी और की मोहब्बत के हिसार में। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है आयशा। बीबी ये मेरा होने वाला दामाद, मेरी बेटी से मंगनी हुई है इसकी और बहुत जल्द शादी होने वाली है। क्या, तो फिर 4 साल से मुझसे क्यों फिर चला रहे थे? तुम लोगों के मुंह से ना ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लड़की भागी है तुम लोगों की, उसके बदले में आयशा से शादी कर रहा हूँ मैं, एहसान मानो मेरा, वरना बैठी रहती कुंवारी। कोई ऐब है तभी तो मना किया इसने। अब हमारे घर में आके हमारे बेटे पे हाथ उठा रहे। मेरा दिल मेरा दुश्मन। अलमारी खोलो, पैसे दो। ये वो पुरानी चाबी है जावेद, अल्लाह के वास्ते छोड़ दे, मैं सुबह आपको ढूंढ के दे दूंगी। आप भी ना एक चीज के पीछे पड़ जाते तो फिर पड़ जाते। अच्छा अच्छा, शुरू मत हो जाओ। सुबह याद से चाबी ढूंढो और मुझे पैसे निकाल के दो, बिल जमा करना है, आखिरी तारीख है। रात को तो मैंने जावेद को टाल दिया, मगर पैसे तो उसको हर हाल में चाहिए। क्या सोच रही है बहन तू? देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। क्या ले आई तू जिंदगी में पहली बार मेरे लिए? अच्छा नारियल लाई है। तुझे पता है कहते हैं नारियल का पानी बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। है? बाकी सच बता, तुझे तेरी सास ने कुछ नहीं बताया? रहने दे बहन, बड़ा बताएंगी वो मुझे, अपनी बीमारी से फुर्सत मिलेगी तो कुछ बताएंगी ना मुझे। फिर तो उन्होंने तुझे ये भी नहीं बताया होगा कि मायरा के ससुराल में क्या क्यामत टूटी हुई है। क्या मतलब? क्या क्यामत टूटी हुई है? हैं? बता ना क्या क्यामत टूटी हुई है। तुझे पता है एमन घर से भाग गई है और एमन के ससुराल वालों ने आयशा का हाथ मांग लिया। क्या, सही बता, तू सच कह रही है? अरे आगे तो बता ना, आगे क्या हुआ? सलमा के यहाँ आना जाना है मेरा, पिछले हफ्ते ही तो गई थी, सच बता रही हूँ। मगर आयशा की शादी तो शामिर के साथ तय थी ना, है ना? होनी थी लेकिन अब नहीं हो रही, पक्की खबर लाई हूँ। अगर वहां कोई ऐसी आग लगी होती तो धुआं यकीनन यहां तक तो जरूर आता। अचानक ऐसा क्या हो गया आखिर? कहां खो गई है तू? देख मैं तेरे लिए नारियल लाई हूँ और तू पी नहीं रही, ये पकड़ ले पी। ला बहन तू ले आई, तू पी लेती हूँ, अब मना तो नहीं करूंगी ना। मम्मी को कॉल करके शादी की दावत दे दूं? फोन पे क्यों? एक काम करते हैं दोनों साथ चलते हैं घर, वहां जाके दावत दे देंगे। ये क्या है? सोच रहा हूँ आयशा को उसकी शादी पे ही दे दूं, उसकी माँ की आखिरी निशानी बची है बस ये। आखिरी निशानी? तुम्हें नहीं पता शादी से पहले चोरी हो चुकी है हमारे घर में, आयशा ने सारा जेवर भाभी के लॉकर में रखवा दिया था। तो क्या, चोर है लॉकर से सारी चोरी करके चले गए, उसमें शगुफ्ता का जेवर भी चला गया। कहीं और से कुछ नहीं लिया? जब एक ही जगह से इतना कुछ मिल गया तो क्या जरूरत है? जी बात है, चोर था है ना जूमी, मैं कैसे पता चला कि सारा जेवर परवीन भाभी के लॉकर में ही? खैर आयशा ये देखकर खुश हो जाएगी, कम से कम कुछ तो है जो उसकी माँ का। आए बाबा बैठे। ये लो बेटा।
ठीक है बाबा। तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी। अम्मी की आखिरी निशानी? पापा ये आपके पास था? इस लॉकर में ही बचा। सोचा तुम्हें गिफ्ट कर। बाबा आपको पता ये दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन तोहफा है मेरे लिए। अगर आज अम्मी जिंदा होती तो कितना खुश होती ना। तो मुझसे बहुत शिकायत है, सोचा तुमसे माफी मांग। जाने में अनजाने में अगर कोई गलत फैसला कर दिया हो मैंने तो मुझे माफ कर देना। नहीं पापा, मैंने सारी बातें भुला दी, उन्हें दिल में रखने की जगह नहीं थी मेरे पास। पापा आपने सारी जिंदगी मुझे इतना प्यार दिया कि आपके प्यार पे उन सब बातों को मैं असरअंदाज नहीं कर सकी। वैसे अजीब ही लोग हैं भाई, मैंने इससे पहले इतने अजीब लोग देखे ही नहीं है। एमन का रिश्ता जहां तय हुआ था वो तो भाग गई, उसी लड़के के साथ उन्होंने आयशा का रिश्ता तय कर दिया भाई, जबकि आयशा का रिश्ता तो शामिर के साथ तय हुआ था। अल्लाह माफी भाई, किस किस्म का खानदान है ये? शाइना, उनके घर का मामला है, वो जो कुछ भी करें हमें क्या है। खुशी की बात यह है कि शादी हो रही है उस घर में। मैं तो ये सोच रही हूँ कि तोहफा क्या देना चाहिए बेटी की ससुराल का मामला। अम्मी देखें, जफर भाई की बेटी की शादी है, बहुत अच्छा और महंगा तोहफा देना पड़ेगा। क्या मतलब तोहफा महंगा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए? मैं सोच रही हूँ सोने की अंगूठी दे दी जाए। हाँ ये ठीक है। एक मिनट अम्मी, सोने की अंगूठी के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? आप देंगे पैसे हैं कि जावेद देंगे पैसे? मैं ही दूंगा पैसे जो अलमारी में रखे हुए। और वैसे भी जफर भाई के कितने एहसानात हैं हम पर, कैसे भूल सकते हैं? कोई एहसान नहीं किया उन्होंने, उनका फर्ज था सो कर लिया उन्होंने। बड़े एहसानात हैं उनके हम पे। ये तो उस वक्त सोचना चाहिए था तुम्हें जब उस वक्त 10 लाख दिए थे जफर से। वैसे भी अभी भी जो तोहफा जाएगा उन्हीं के पैसों से जाएगा। अरे आप लोग क्यों बिला वजह के खर्चों में पड़े हुए हैं? क्या जरूरत है आपको फजूल खर्ची करने की? मैं आपको बता रही हूँ, इतनी सी अंगूठी की ना उनकी नजरों में कोई भी अहमियत नहीं होगी। अरे नजरों में नहीं आएगी वो अंगूठी, क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? शाहीना जाओ अलमारी में से पैसे लेकर आओ। शाहीना मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जाओ अलमारी में से पैसे लेकर आओ। अरे भाई क्यों मुझे उठा रहे हो? वैसे ही मुझे कमजोरी हो रही है, बार बार तुम मुझसे काम करवाया जाओ उस घर में। ये पैसे ले आए तो आप दोनों साथ जाइए और अच्छी सी अंगूठी खरीद के लाएं। बहन के ससुराल का मामला। बहू पैसे तो लेकर आए,
हाँ एक मिनट क्या हुआ शाइना, क्या हुआ? पैसे निकाल के दो। पैसे? अरे तुम्हें बताया तो था कि चाबी खो गई है, फिर तुम बार बार तस्करा कर रहे हो पैसों का। बताया था ना कि चाबी खो गई, तुम वहां बैठे हो। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम हटो, मैं अलमारी तोड़ देता हूँ। ये अरे नहीं है, क्या हो गया? अलमारी टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, दोबारा लेकर आओगे क्या? पैसों को जिया करोगे तुम? खर्चा बढ़ा रहे हो अपना फजूल में। मैं कह रही हूँ नहीं है पैसे यहाँ पे, अगर तो चाबी नहीं मिली। एक मिनट शाइना, देखो तुम मुझे सच सच बताओ कि तुमने पैसों का क्या किया। अरे भाई नहीं है पैसे, मुझे नहीं पता। चाइना मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने पैसों का क्या किया, बताओ मुझे। मैंने ना पैसे सलमान भाई को दे दिए। तुम्हारा, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? दिमाग तो नहीं खराब है तुम्हारा? तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी कयामत आ गई? ज्यादा पैसे देंगे तो ज्यादा मुनाफा मिलेगा ना, कल से सोचो। तुम्हारी ये लालच ना हमको ले डूबेगी एक दिन, बेवकूफ। खुद का दिमाग तो चलता नहीं है, बीवी का दिमाग चल गया तो बड़ी कयामत आ गई। कहाँ चला गया ये? फोन भी नहीं उठा रहा। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैंने अली के साथ भागने का फैसला कर लिया। मैंने तो अभी से अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। पता नहीं अम्मी मुझे याद करती भी होंगी या नहीं, न जाने वहां क्या हो रहा होगा। ये सब क्या कर लिया मैंने अपने साथ। अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए, जल्दी से तैयार हो जाइए, आज निकाह है ना। रीना आज दो बार आतानी थी, एक आयशा की और दूसरी अमन की। अमन होती तो कितनी धूमधाम से शादी होती, आज खुश तो हूं लेकिन अजीब सी बेचैनी सी है। ये उसने अपने साथ खुद किया है, वरना हमने तो उसका भला ही चाहा था। और कौन सी माँ है जो अपनी बेटी को याद नहीं करती? मुझे भी उसकी बहुत याद आती है, लेकिन मैं आपको देख के मैं आपको छुपा लेती हूँ, खामोश हो जाती हूँ। और एक आप है जो उसका जिक्र बार बार कर रहे हैं। छोड़ो इस बात को, तुम तैयार हो जाओ, नाराज मत हो, मैं भी आता हूँ। मेरे कपड़े निकाल दो, आता हूँ। नहीं क्यों घबराहट हो रही है बहुत, शायद सारी दुल्हनों के साथ ऐसे ही होता हो। एक बात पूछूं, जब आपकी शादी हो रही थी तो क्या आपको भी ऐसे ही फील हो रहा था? मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरी शादी कब हो गई। क्यों?
मेरे भाई और भाभी ने अचानक ही मेरा रिश्ता तय कर दिया था। बस फिर अगले दिन मेरा सफर से निकाह हो गया। तो क्या आप बाबा से मोहब्बत नहीं करती? मोहब्बत से कई ज्यादा अहमियत इज्जत रखती, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मुझे तसल्ली है पापा के पास कोई तो है जिन्हें उनका ख्याल। आयशा बिन जफर, आपका निकाह शामिल बिन खालिद, 5 लाख रुपए से कराजुल वक्त आपको कबूल है। शामिर, चुप क्यों? जवाब दो ना। बोल। बोल है। बोल। कबूल है। कबूल। ये लीजिए, साइन कीजिए। बिछड़ने का तुमसे इरादा किया है, वादा जो किया है आधा किया है। कैसे मैं तुमको ये समझाऊं, दर्द अपना कैसे मैं दिखाऊं, क्यों मेरे दामाद को अंगूठी पहनाओ। तेरी खातिर मर ही जाते पर हुए बदनाम, डर था तुझको।
को खोने का जो देख ले अंजाम, जाने मुझको क्या गुमा है, मैं जहां हूं तू वहां है। शामिर, ये रस्म सास ही करते हैं, हाथ धो। क्यों मेरे नसीबों में तन्हाइयां, तू सुनता नहीं है क्यों ये दुहाइयां, के तेरे पीछे भागूं जैसे परछाइयां, तू बेपरवा बेपरवा सियां, बेपरवा बेपरवा सियां। क्या तरीका है यार ये, तुमने अंगूठी नहीं देने दी मुझे, जफर भाई की बेटी की शादी। फजूल बातें मत करो, तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है लोग कितने महंगे महंगे तोहफे दे रहे हैं। अरे हमारी सस्ती से अंगूठी ना किसी खाते में नहीं आती बेटा, लोग मजाक उड़ाते कि ये तोहफा लेकर आए हैं हम, बेइज्जती होती है हमारी। अब जो मेरी हैसियत है उसी हिसाब से दूंगा ना मैं। इंसान की हैसियत बेशक छोटी ही क्यों ना हो, सोच को तो बड़ा रखना चाहिए ना, लेकिन नहीं, वही तुम्हारी छोटी और घटिया सोच। मेरा दिल मेरा दुश्मन। कौन है? हूँ, खोलो। कहाँ थे तुम? मैं यहां अकेली तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम अब आ रहे हो। जिस तरह घर छोड़ के गया था ना, सब कुछ वैसे का वैसा ही है, कुछ नहीं बदला यहां पे। इतनी बदतमीजी से क्यों बात करते हो? उस दिन भी तुम ऐसे बदतमीजी करके गए हो, मैं तुम्हारी खातिर अपना सब कुछ छोड़कर यहां आ गई और उल्टा तुम मुझसे प्यार से बात करने की हमेशा मुझ पर गुस्सा करते हो। इसीलिए की थी शादी तुमने मुझसे? शादी 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 बस कर दो यार, छोड़ दो ये रट लगाना, हमारी शादी पुरानी हो चुकी है। हमें सोचना चाहिए कि इन मुश्किल हालात पे हम लोग एक दूसरे का साथ किस तरह दें। कहीं से भी पॉजिटिव जवाब नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो गया मेरा, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो तुम अपनी गाड़ी भेज दो और कोई काम शुरू कर लो। गाड़ी अभी तक मैकेनिक के पास खड़ी हुई है, 25,000 रुपए लगे हैं उस पे, पैसे दूंगा तो गाड़ी मिलेगी। अब और कुछ भी नहीं रह गया बेचने को। अब तो खुश हो ना शामिर, सिर्फ तुम्हारा। और ये बात मत भूलना कि मैंने जो वादा किया था तुमसे वो पूरा किया है। शुक्रिया बड़ी अम्मी, मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगी। काश तुम्हारी माँ जिंदा होती, तुम्हें दुल्हन के रूप में देखकर कितना खुश हो। आप भी तो अम्मी जैसी है। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी अम्मी जैसी,
लेकिन अपनी सौतेली माँ से जरा बच के रहना। खैर तो मैं देख लूंगी, बस तुम शामिल के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करो। काश अमन यहाँ पर होती तो उसकी शादी भी तुम्हारे साथ ही हो जाती, ना जाने कहाँ मारी मारी फिर रही होगी। शामिल नहीं आया? मैं भेजती हूँ उसे। दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम यहाँ खड़े हुए हो। थोड़ी देर रहने देता नाम से। पागल हो गए हो क्या? जाओ ऊपर जाओ। आपको सबकी फिक्र, सिर्फ मेरी नहीं। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी शादी जबरदस्ती नहीं करवा रही हूँ। और जफर के सामने तुमने खुद कहा था कि मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। ऐसे सुधारोगे अपनी गलती? उस टाइम का सोग मनाना बंद कर दो तुम और जाओ अपनी बीवी के पास जाओ। और सुनो, तुमने मुंह दिखाई के लिए उसके लिए कुछ लिया है? जो चाहती थी उसे मिल तो गया, और क्या दूं उसे? मुझे पता था तुम यही करोगे। ये लो, ये अंगूठी मेरे पास बची है, ये दे दो उसको। बाकी तो सब वो ईमान ले गई। लो और जाओ ऊपर। अच्छा हुआ तुम्हारी शादी हो गई। अब आयशा अपनी मोहब्बत से तुम्हारा दिल जीत ही लेगी। हमारे दरमियान जो भी था वो अब सिर्फ एक दर्द और खलश है। क्या सोच रही? कुछ नहीं, मुझे एक फजूल सा ख्याल आ गया। क्या मतलब? भाभी के बारे में सोच रही थी। सब कुछ खैर खैरियत से हो गया अल्लाह का शुक्र। पता, मेरा मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया। ठीक है, बोल कबूल है, कबूल है। अब वो अपनी जिंदगी में मगन रहेगी। कबूल। शगुफ्ता के जाने के बाद बहुत उदास रहने लगी थी। अच्छे लग रहे थे दोनों साथ, खुश लग रहे थे। बहुत खुश थे। और मैं सबसे ज्यादा इसलिए खुश था कि अब वो मेरे पास रहेगी। और देखना, तुम्हें भी बहुत जल्द कबूल कर लेगी। मुझे यकीन है आयशा पर, बहुत अच्छी लड़की है। तुम भी अच्छी लड़की। चाय पियेंगे तो बना दूं? नहीं, मैं सोऊंगा। सुबह जल्दी जाना है, बहुत काम है।
बहुत हंसी लग रही है। क्योंकि ये हमेशा हमें एक करने की निशानी रहेगी। थैंक यू शामी। कुछ नहीं, बस हमें इस रूप में देखकर हैरान हो गया था। शामी, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं वाकई बहुत खुश नसीब हूँ जिसे चाहा वो मुझे मिल गया। ये खुशनसीबी बहुत कम लोगों के मुकद्दर में होती है। क्यों मेरे नसीबों में तन्हाइयां, तू सुनता नहीं है क्यों ये दुहाइयां, के तेरे पीछे भागूं जैसे परछाइयां, तू बेपरवाह बेपरवाह सैयां, बेपरवाह बेपरवाह सैयां। लिफाफे से तो लगता है अगर इसमें 5-5 हजार के भी नोट हुए ना तो 10-12 लाख तो होंगे। खोलना नहीं, ऐसे देना उसने। अरे क्यों, इतनी सी बात का थोड़ी बुरा मानेगा। मेरा बेटा है, मेरा हक है उसके ऊपर। हाय हाय, सिर्फ लिफाफा ही मोटा लग रहा था। दामाद को सिर्फ 1 लाख रुपया सलामी, वैसे तो बड़ा हातिम ताई बना फिरता है, और सिर्फ दामाद को 1 लाख रुपया दिया उसने, कंजूस कहीं का। है सफर तेरी कंजूसियां। पर शहजादे तुम कहां गए वो? तुम्हारी गाड़ी खड़े खड़े थक गई है। बस एक इमरजेंसी हो गई थी, शहर से बाहर गया। फिर तो नोट आ गए होंगे, है ना? क्या बताऊं बाबू भाई, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। भाई इस बात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। 15,000 पहले के और 25,000 इस मर्तबा के, पूरे 40,000 खड़े करो और अपनी गाड़ी लेकर जाओ। देखें बाबू भाई, फिलहाल पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ मैं आपको ये गाड़ी भेज के पैसे दे दूंगा। भाई मेरे पास एक पार्टी है और इस वक्त गाड़ी भी तुम्हारी बिल्कुल रेडी है, कहो तो बुलाऊं। ठीक है, बुला ले, फाइल लेकर आऊंगा। हाँ हाँ ले आओ, तुम फाइल ले आओ, जाओ जल्दी जाओ। शाबाश। हाँ भाई बशीर, कितना काम है, क्या बात है? बस शाम को गाड़ी को देखने आ रहे हैं लोग। बहुत रेडी है, 25-50 के हो जाएगी ना यहाँ। हाँ, बहुत हो जाएगी, अब देख लो। शामीर, 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 बहुत ही कोई पक्की नींद है तुम्हें।
उठो ना, उठ क्यों नहीं रहे हो? बचपन वाली हरकत कर दी तुमने। हाँ तो ऐसी छोटी छोटी हरकतें करके तो बड़ी खुशी मिलती है भाई। और आज मैं वही बचपन वाली आयशा और तुम वही सोतू शामीर। शामीर उठ जाओ, बड़ी अम्मी नीचे नाश्ते पे बुला रही। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा जल्दी से आ जाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। बहुत अरसे के बाद कल रात सुकून की नींद आई। सच कहा आपने, मैं तो कल लेटते ही सो गया था। दोनों हैं कहाँ? ये तो प्यार। सलामेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। माशाल्लाह से चांद का टुकड़ा लग रही हो तुम। अल्लाह ताला हमारे घर को नजरे बद से बचाए। आमीन। वैसे मायरा खाली हाथ आ गई हो, बेटी के लिए कोई सलामी वगैरह लेकर नहीं आई तुम? भाभी नाश्ता तो कर ले, फारिग हो जाए तो फिर रस्में भी कर लेंगे। वैसे जफर रस्मों के मामले में ना तुम बहुत ज्यादा सुस्त हो। दामाद को छोटा सा लिफाफा थमा दिया, मैं तो समझ रही थी कोई बड़ा चेक दोगे तुम। इतना पैसा कहाँ लेकर जाओगे? आगे पीछे है कौन तुम्हारा? पति कभी तो सोच के बात किया करो, ये मौका ये बात करने का? अरे तो अपनों से भी क्या आप सोच समझ के बात करनी पड़ेगी। नहीं चाचू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अम्मी वो जो रकम वो भी चाचू को वापस कर दे। नहीं नहीं वो तोहफा है तुम्हारा बेटा। अरे रिश्तेदारों में शादी करने का यही तो फायदा है, ना शादी के खर्चे का झंझट, ना जहेज देने की फिक्र। क्यों जफर? अब जफर को तनवीर साहब की कॉल आई थी। हेलो। हाँ रे हाँ। नो मैंने नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। अच्छा ऊपर मुझे जाना होगा। मेरा दिल मेरा दुश्मन।